हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीपीएस एजुकेशन में। आज हम लोग विजुअल बेसिक 6.0 का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक 6.0 क्या होता है और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। इस तरह से करके हम जो है ना लगातार सीरीज में हम लोग जो है ना पूरे विजुअल बेसिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज विजुअल बेसिक 6.0। एक्चुअल में अभी जो है ना डॉटनेट फ्रेमवर्क पे जो है ना विजुअल बेसिक वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वो है विजुअल बेसिक 6.0। तो हम लोग विजुअल बेसिक 6.0 को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि विजुअल बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसी टाइप से ये भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मई 1991 में। यानी कि 1991 के टाइम में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि एलन कूपर इज नोन एज फादर ऑफ विजुअल बेसिक। फादर ऑफ विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक के पिता के नाम से जाने जाने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है एलन कूपर। एलन कूपर फादर ऑफ विजुअल बेसिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विजुअल बेसिक क्या प्रोवाइड करता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, हमारे काम को आसान बनाता है। यानी कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं सामने हमारे स्क्रीन पर दिखता है, उसके थ्रू हम लोग आसानी से काम को कर सकते हैं। तो किसी भी काम को आसान बनाता है कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको आगे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दैट अलाउ द डेवलपर ड्रैग एंड ड्रॉप। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या फायदा होता है, आपके सामने में स्क्रीन दिखता है, वो क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैग करना मतलब कि आप उसको पकड़ लिए, और ड्रॉप मतलब जहाँ पे आपको रखना है उसको लेकर छोड़ दिए। तो इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर कोई आइकन्स हैं आपके, फोल्डर हैं, और इस फोल्डर को हम चाहते हैं यहाँ से इसका पोजिशन चेंज करना, यहाँ पे ले जाना, तो इसको पकड़ते हैं माउस, वहां पे लेकर सेलेक्ट करते हैं फोल्डर को, लेफ्ट क्लिक करते हैं और इसको पकड़ के ऐसे लेकर यहाँ पे लेकर रख देते हैं। तो जो यहाँ पे पकड़ लिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग करना, और जहाँ पे छोड़ दिया ले करके जहाँ पे हमको रखना था उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप करना। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट हमारे क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा ही आता है। तो रहा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स इन टू द प्रोग्राम एज वेल एज मैनुअली राइट प्रोग्राम कोड। यहाँ पे कर रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउ करता है डेवलपर को कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप प्रोग्राम कोड मैनुअली लिख करके भी आप अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे देखिए, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, आगे एक टॉपिक ही है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन, तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी ये जान लीजिए कि ये क्या करता है, कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, बनाने में मदद करता है कौन, विजुअल बेसिक। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डेवलप करने में मदद करता है हमारा विजुअल बेसिक, विच इंक्रीज द इंटरेक्शन थ्रू आइकन्स, मेनू, बटन, डायलॉग बॉक्स इटीसी। तो इस तरह के अगर हमको इंटरेक्शन करना है किसी मेनू से, बटन से, डायलॉग बॉक्स से, या किसी आइकन से, तो उसमें हमें बहुत ही फायदे होते हैं विजुअल बेसिक से प्रोग्राम को क्रिएट करना। जैसे कि अगर हमारे डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना हुआ है या कोई आइकन्स है, तो आइकन्स को हम लोग डायरेक्टली जो है ना उसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं या डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हो गया हमारा का यहाँ पे स्क्रीन, स्क्रीन पे हमको रखा हुआ है डायरेक्टली उसको ओपन कर रही है। देखते हैं कि जो भी हम लोग काम आसानी से करना चाहते हैं उस चीज को हम लोग डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े और कई बार हमको क्लिक करके अंदर फोल्डर के अंदर ना जाना पड़े, डायरेक्टली हम लोग स्क्रीन पर रखते हैं और डबल क्लिक करते हैं। तो आगे इवेंट ड्रिवन आप जब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा, लेकिन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन को डेवलप करने में
ज्यादा फायदेमंद कौन सा प्रोग्रामिंग है? विजुअल बेसिक। और इससे क्या होता है कि यूजर का इंटरेक्शन इंक्रीज करता है, यानी कि काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आपका स्पीड इंक्रीज कर जाता है आपके इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के कारण। और लास्ट पॉइंट है, सिंस इट्स रिलीज इन डिफरेंट वर्सन, क्या होता है, चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वर्सन में रिलीज किया गया है, किसको? विजुअल बेसिक को। सबसे पहले आपको जो है ना, इसका डिफरेंट वर्सन जो आया था, रिलीज किया गया था, वो था 1.0। उसके बाद आया क्या? 2.0, उसके बाद 3.0, नेक्स्ट 4.0, नेक्स्ट 5.0, एंड लास्ट आपका क्या हो गया? 6.0, जो हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट इसका जो वर्सन रिलीज किया गया कंपनी के द्वारा, वो था 6.0, आफ्टर विजुअल बेसिक 6.0, यानी कि 6.0 के बाद इट मूव्ड टू .NET फ्रेमवर्क, यानी कि 6.0 के बाद ये कहाँ मूव कर गया? .NET फ्रेमवर्क पे। और विजुअल बेसिक बिकम्स विजुअल बेसिक .NET, जो विजुअल बेसिक था वो क्या बन गया? अब विजुअल बेसिक .NET बन गया। .NET क्यों बन गया? क्योंकि अब ये जो है ना .NET फ्रेमवर्क को यूज करता है। तो .NET फ्रेमवर्क क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। इसको जो फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी पे जो है ना ये अब वर्क करता है, जो ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा कौन? विजुअल बेसिक .NET। इसका मतलब क्या है, विजुअल बेसिक जो था वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था। तो बेहतर कौन होगा आपका? विजुअल बेसिक में और विजुअल बेसिक .NET में, विजुअल बेसिक आपका .NET जो होता बेहतर होगा, क्योंकि वो मॉडर्न फंक्शनलिटी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ये आपका जो है ना डिफिनेशन हो गया आपके विजुअल बेसिक के। कुछ पॉइंट्स की पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे कि विजुअल बेसिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था, ये की पॉइंट्स आपको हो गया। उसके बाद एलन कूपर इज द फादर ऑफ विजुअल बेसिक। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अलाउ करता है, जिसमें डेवलपर जो है ना आप आइकन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, या मैनुअली भी कर सकता है, वो आपकी मर्जी है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में ज्यादा फायदेमंद कौन सा प्रोग्रामिंग है? तो विजुअल बेसिक, जिससे कि यूजर का इंटरेक्शन इंक्रीज करता है। और विजुअल बेसिक जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट वर्सन में आया। हमारा लास्ट जो वर्सन था वो 6.0 था, इसके बाद एक कहाँ मूव कर गया? .NET फ्रेमवर्क पे। ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप इसको आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक, कौन कौन से फायदे हैं विजुअल बेसिक को यूज करने का, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज में है कि विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, यानी कि इवेंट ड्रिवन पे डिपेंड करता है और यूजर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है ना आपके सामने में है, उसको उठा करके यहाँ रख दिए, उसको उठा कर ऐसे कर दिए, तो उससे जो है ना काफी आसान होता है और इसको सीखना भी आसान है। यानी कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब में आसान कौन है आपका? विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट है, विजुअल बेसिक इज नॉट ओनली ए लैंग्वेज, कह रहा है ये सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, बट प्राइमरली एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि IDE है। मतलब कि विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन आप सिर्फ इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना समझे, क्योंकि इसके साथ साथ इसके पास IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये इससे ध्यान रखेंगे, IDE को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द विजुअल बेसिक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हैज बीन हाईली ऑप्टिमाइज्ड टू सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अगर सपोर्ट करता है तो कौन है? विजुअल बेसिक IDE। IDE क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके जिस पर जो है ना हम लोग विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो इस तरह का जो IDE है, जो IDE एप्लीकेशन है जिसके लिए, जिस पर हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं विजुअल बेसिक का, तो इसके थ्रू जो है ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है और हाईली ऑप्टिमाइज है। लास्ट है, इट इज पार्टिकुलरली इजी टू डेवलप। पार्टिकुलरली जो विजुअल बेसिक है बहुत ही आसान है उसको डेवलप करना। क्यों आसान होता है? क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके पास है, एंड टू कनेक्ट देम टू हैंडलर फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन।
और ये जो है ना आसानी से हैंडलर के पास जो है ना कनेक्ट रहता है एप्लीकेशन के थ्रू, इसलिए जो होता है ना ये आसान होता है। अब इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो डिसएडवांटेज में क्या है कि विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन बाय माइक्रोसॉफ्ट, सो प्रोग्राम रिटन इन विजुअल बेसिक कैन नॉट इजिली बी ट्रांसफर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विजुअल बेसिक प्रोग्राम है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको डेवलप करें और किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर के उसको जो है ना एक्सक्यूट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। वहीं कहा जा रहा है कि विजुअल बेसिक कैन नॉट इजिली बी ट्रांसफर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है उस पर तो ये आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको ट्रांसफर करना काफी मुश्किल है, ये यानी कि कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, इसका डिसएडवांटेज हो गया। एक और डिसएडवांटेज है जो कि सी हैज बेटर डिक्लेरेशन ऑफ एरे, हम लोग एरे पढ़े हैं सी लैंग्वेज में, तो एरे का डिक्लेरेशन करना और इनिशियलाइजेशन करना सी में बहुत ही आसान होता है। इट्स पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी एट डिक्लेरेशन टाइम, यानी कि डिक्लेरेशन टाइम में जो हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में ये इम्पॉसिबल है। तो ये दो डिसएडवांटेज हो गया। पहला डिसएडवांटेज हो गया कि किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, और इसमें जो है ना एरे का इनिशियल एरे ऑफ स्ट्रक्चर का इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये दो जो है ना इसका डिसएडवांटेज है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें विजुअल बेसिक क्या होता है, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।